हेलो शर्मिला। हेलो सुमित्रा, कैसी चल रही है शादी की तैयारी? चल रही है, बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। जल्दी जल्दी करो, अब हमसे रहा नहीं जाता। सोसाइटी में शादी हो रही है और आपने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। दीदी अकबे, ये क्यों आ गए? आपको देख के काफी अच्छा लगा। वेलकम बैक। थैंक यू। आई एम वेरी वेरी अपसेट दीदी, सोसाइटी में इतना कुछ हो रहा और आपने मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं बताया। हे जेनी। अभिजीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हूँ बिकॉज तुमने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे एक बार भी नहीं बताया। तू है कौन? क्या बोला दीदी? हाँ कुछ नहीं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। बाय द वे, तुमसे नहीं, शर्वरी से भी बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। शर्वरी से क्यों? एटलीस्ट वो तो मुझे बता सकती थी, बट उसने भी नहीं बताया। किस मुंह से बताएगी? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही वो। प्यार का इधर करते करते साल गुजर गए, अब क्या खुद प्यार ही चला गया। तुमको किसने बताया फिर? मुझे तो अभिजीत की मम्मी जी ने बताया। मां, आपने बताया, पर आपको जीने के बारे में कैसे पता? गाधा, तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुमसे दो कदम आगे चलती हूँ। तुम्हारी सारी दोस्तों के बारे में पता होता है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिजीत, एंड वेयर इज द शर्वरी? मुझे उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस देना है। शर्वरी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देने की क्या जरूरत है? हाँ, बिकॉज उसकी भी शादी हो रही है ना। किसके साथ? अभिजीत के साथ। और किसके साथ? नहीं नहीं, उसकी शादी नहीं हो रही। पर आपने तो कहा अभिजीत की शादी हो रही है। हाँ हो रही ना इसकी। तो अभिजीत की शादी तो शर्वरी के साथ ही होगी ना? ना ना, अभिजीत की शादी शीला के साथ हो रही है। लगा ना जोर का झटका। हाँ दीदी, बहुत जोर से। अभिजीत, ये सब कैसे? ऊपर आओ ना, साफ बता देती हो तुमको। आती हूँ ना, बट पहले मैं दीदी के पास जाती हूँ। वो उनके हस्बैंड मेरे दोस्त है, तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे सबसे पहले आई, तो उनसे मिल के आती हूँ। अभिजीत तुम भी आओ ना, तुमसे बात करनी थी एक। ठीक है जाओ, जल्दी आना। पार काफी अच्छा लगा जीनी तुमको वापस सोसाइटी में देख के। और रॉकी नहीं आया? ना, उसका काम था तो वो बिजी है, वेडिंग के दिन आएगा वो। वैसे तुम कब शादी का सोच रही हो? देखते हैं, अभी तक हमें सोचा नहीं। अभी वापस सोसाइटी में आ गई हो तो करके ही जाओ शादी। दीदी आइडिया अच्छा है, मैं भी शादी कर लूँ यहीं पे। सगाई में हमारी जेब खाली कर दी, अब शादी में घर खाली करना है। जस्ट जोकिंग, पहले जिसकी होनी है उसकी होने दो, बाद में देखना। जेनी, तुमने मुझे बुलाया था? यस, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आ जाओ। क्या बात करनी है ऐसी? कीप काम दीदी, सब कुछ पता चल जाएगा। भाव तो देखो बंदी के, मेरे घर में आके मेरे ऊपर दादागिरी दिखा रही है। हाय दिया, ये गोरी कब आए? नमस्ते। कब जा रही है? एक दो दिनों में जाएगी। नो दीदी, इतनी जल्दी भी क्या है, शादी हो जाने के बाद दो तीन दिन रहूंगी, उसके बाद जाऊंगी। जेनी, मुझे क्यों बुलाया तुमने? अभिजीत, अभिजीत, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या? शीला के साथ शादी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ मैं शीला से शादी। वाह, तुम तो शर्वरी से प्यार करते थे। वैलेंटाइन के वीक पे तुमने सबके सामने शर्वरी को प्रपोज किया था, एंड देन यू पलटी पलटी। तो उसने मुझे कहा एक्सेप्ट किया था, रिजेक्ट ही तो किया था। नो अभिजीत, तुम गलत समझ रहे हो। शर्वरी ने तुमको रिजेक्ट नहीं किया, उसने तो बस नो बोला था, वो रेडी नहीं थी, तुम्हें उसको समय देना चाहिए। पर तुम यहाँ पे किसी और के पीछे पड़े हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस ये सब हो गया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कुछ नहीं होता, हमने भी प्यार किया। किसके साथ? रॉकी के साथ। और किसके साथ? मुझे जितना याद है तू अभिजीत के पीछे भी पड़ी थी। हाँ पड़ी थी मैं, इसके पीछे भी पड़ी थी, बट ये शर्वरी को प्यार करता था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, उन दोनों को छोड़ दिया, उनकी जिंदगी में नहीं आई। पर
ये तो यहाँ पे कुछ और ही कर रहा है। इससे अच्छा तो मैं ही तुमसे शादी कर लेती। मौका अभी भी है। दीदी, आई एम एंगेज्ड राइट नाउ और मैं मेरे रॉकी के साथ बहुत खुश हूँ। सॉरी सॉरी, पर तू करती थी ना उससे प्यार, इसलिए जस्ट जोकिंग। हाँ, मैं तब की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे तब ऐसा लगता था इसका प्यार बहुत प्योर है, ये काफी दिल से प्यार कर रहा है शर्वरी को। बट नहीं, इसका प्यार बस दिखावे के लिए था। बस जेनी, बस बहुत बोल लिया तुमने, अभी मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। जानबूझ के नहीं कर रहा हूं मैं ये, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, तुमको मैं सब बताता हूँ। वो हुआ कुछ यूं कि बुरे फंस गए। आई एम सॉरी, मैंने बिना कुछ सोचे समझे बहुत कुछ बोल दिया। सॉरी फॉर दैट। ओ जल्दी जल्दी शगुन किसने लेके, हमें अभी जी तो उनके घर जाना है। आ गया, चलो जल्दी आ रहा हूँ। खुद जाती हो खाले हाथ, पति से करवाती हो सारा काम। आओ क्या? अरे बाबा, शगुन की थाली लेके आए थे हम। शगुन? ओ देखिए, हमसे जितना हो पाया उतना रखाया। हमने तो आपसे कुछ मांगा भी नहीं था, आपने जो भी दिया है उतना काफी है हमारे लिए। ओ चलिए। अभिजीत है? अभिजीत, माँ बुला रही है, जाना पड़ेगा। दीदी ये क्या हो गया? जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारे लोगों को सबक मिलेगा और मुझे मजा। क्या हुआ माँ? लड़की वालों की तरफ से शगुन आया है। तो निर्लज है तू सच में। अभी हमको भी लड़की वालों का मुंह मीठा करना चाहिए, रिश्ता जो पक्का हो गया है। ठीक है, मैं मिठाई देके आता हूँ। ना ना, तू क्यों जाएगा? तू कुछ नहीं करेगा, तू बैठ अंदर आराम कर, मैं जाती हूँ किसी को लेके। किसको लेके जाओ? अरे हाँ, तुम्हारे बचपन की दोस्त को लेके जाती हूँ। शार्वरी, क्या हुआ? इधर तो आओ जरा। हमें शर्मिला जी के घर पे जाना है। क्यों? लड़की वालों ने शगुन भेजा है, अभी हमारी बारी, मिठाई के डिब्बे भेजने उनके यहाँ पर मुंह मीठा करने के लिए। अच्छा, मैं मिठाई के डिब्बे लेके आती हूँ, यहीं पे रुकना। ठीक है। पकड़ा, चलो तुम बैठो अंदर। नमस्ते। नमस्कार, आइए ना अंदर। ना ना, इतना टाइम नहीं मेरे पास। वो हम आपका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लाए थे। ओहो, मिठाई आ गई लगता है लड़के वालों की तरफ से। मिठाई कौन लेके आया है? खुद कोलकाता की मिठाई? अब शीला कहाँ है? है ना, शीला भी है। मैं मेरे हाथों से शीला के मुंह में मिठाई डालूंगी। शीला जरा इधर तो आओ। क्या हुआ भाभी? देखो कौन आया है। आप नमस्ते। शीला, सच में आपकी बेटी आपके घर की शान है, कितनी खूबसूरत है। उसके घर वाले उसको बॉयकॉट कहते हैं। लाओ मिठाई, मैं शीला का मुंह मीठा कर देती हूँ। मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, वो मेरा डाइट चल रहा है ना इसलिए। शीला रहने दीजिए, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो क्यों करे? कोई बात नहीं शीला, जब तुम्हारे डाइट में चीट डे हो तब मिठाई खाना। आते हूँ मैं। शीला ये जो अपना मुखड़ा है ना उसको जरा ठीक कर दो। क्या है, पापा ने फैसला लिया है, अब वो नहीं बदलेंगे, तेरी शादी तो होके ही रहेगी। तो ये जो अपने आंखों के आंसू है ना वो बचा के रखना, विदाई के समय काम आएंगे। ससुर जी देखिए, जब से ये रिश्ता पक्का हुआ है ना, शीला बिल्कुल बात नहीं कर रही, किसी से भी बात नहीं कर रही, घर में हमेशा ऐसे उदास उदास बैठी रहती है। बहुत मूड खराब हो गया उसका। मूड तो खराब हो गया ही, अब उसके मर्जी के बिना उसके पिताश्री ने उसकी शादी जो तय कर दी। सुन भाई, अगर वो बात नहीं करती तो रहने दो, ज्यादा मक्खन मारने की जरूरत नहीं।
अपने आप सीधी हो जाएंगी। आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, पत्थर दिल हो गया। मुझे ऐसा लगता है शीला और अभिजीत को ना आपस में टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला। दोनों के बीच में ऐसी बातचीत कितनी हुई है, वो नाटक करने के समय हुए बस उतनी। दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका तो मिलना चाहिए ना। कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या है वो फुसके में जो जानने की जरूरत है? सबको पता है वो कैसा है, मैनर्सलेस घोड़ा। सुनो भाई, बराबर कह रही है, हमको शीला अभिजीत को समय देना चाहिए। आइडिया, क्यों ना ससुर जी हम उन दोनों को डिनर डेट के लिए भेज दे। ससुर जी के आगे तो डेटिंग शेटिंग की बात करती है, मैनर्सलेस। तो क्या हुआ, आज के जमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तो हमारे जमाने में होती थी, तब तो हमने आम के पेड़ के नीचे बैठ के मैंगो डेट की है। क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? बात करती है। सुन भाई, मुझे तुम्हारे आइडिया बेहद पसंद आई। भाई भाई भाई, मैं शीला को जाके पता क्या आती हूँ।